हेलो गाइस, आज मैं आपको एक यूरोप की सैर कराने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे मकान किस टाइप के बने हुए हैं और जगह जगह पर यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हर एक व्यक्ति के पास गाड़ी मिलेगी यहाँ पर। लोग फोर व्हीलर से चलना पसंद करते हैं और यहाँ पर जो मकान है, मकान इस टाइप के हैं, देख लीजिए आप। बहुत अच्छा यहाँ पर लोग जीवन जीते हैं। लोगों को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर सरकार अच्छी अच्छी फैसिलिटी मुहैया कराती है। वीडियो में आगे जारी रहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आज मैं आपको यूरोप की सैर कराने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा, मकान ऐसे बने हुए होते हैं और यहाँ पर बहुत शांति है। हर एक मकान में आपको पौधे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत शांत वातावरण है। यहाँ के मकानों में अधिकतर मकान खाली ही पड़े हैं क्योंकि यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है। अपना जैसे दिल्ली की जनसंख्या के बराबर यहाँ की कुल जनसंख्या करीबन 1 करोड़ है। लोग में रहना पसंद करते हैं। रूरल एरिया में कम लोग रहते हैं। आज मैं आपको सुंदर की आने वाला हूँ। यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ओके गाइस, थैंक यू। ये देखिए दोस्तों, ये यूरोप का जंगल है। हंगरी या स्पेन शहरों में है हमारी। और यहाँ पर लोग जो खेत खलियान है उनके साथ कोई भी प्रकृति के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। जैसे कि कहीं पे ऊंचा नीचा है, वो ऊंचा नीचा ही रहेगा, उसे समतल करने की भी कोशिश नहीं करते। और पेड़ जैसे हैं जैसे के तैसे रहते हैं। अगर पेड़ इन्हें काटना भी है तो उसकी जगह पहले से पेड़ लगा देते हैं। और यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है, शुद्ध हवा लेने को मिल जाती है। देखिए, हम अभी जगह जा रहे हैं, प्राकृतिक जगह है, बहुत अच्छा रोमांटिक जगह है। वहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। देखिए देखिए यहाँ के खेत हैं, ऊबड़ खाबड़। इतना अच्छा नज़ारा है जंगल का, बहुत शांत। और जैसे अपने इंडिया में भी कच्चे रास्ते देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ भी एक कच्चा रास्ता है। पहले यहाँ रोड रोड थी, अभी ये थोड़ा टूटा फूटा रोड है। पगडंडी कर सकते हैं, अभी चलने का रास्ता। देखिए खेत है हरा भरा। मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए। मैं यहाँ रूरल एरिया में आपको ये दिखा रहा हूँ, बाकी सिटीज़ वगैरह की भी वीडियो में भेजता रहूँगा। इतना अच्छा नज़ारा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली। ये देखिए, ये खेत खाली है, बाकी यहाँ हरा भरा है, घास खड़ी है। इतना इतना बड़ा एरिया, यहाँ पर कोई खेती वगैरह तो करते ही नहीं। यहाँ के लोग बहुत आलसी टाइप के, करना नहीं चाहते। अपने यहाँ के किसान मेहनती है, अगर अपने यहाँ के खेत होते थे तो यहाँ पे काफ़ी फसलें उगा लेते लोग। बट ये कुछ खाली पड़ी है, कुछ खेती होती नहीं है। बट यहाँ पर होने को काफ़ी कुछ हो जाता है, जैसे गेहूँ है, मक्का की खेती ले लेते हैं, सूरजमुखी है,
दाल वगैरह हो जाती है, लोग करना नहीं चाहते, आराम पसंद लोग। देखिए दोस्तों, इस सामने से एक गाड़ी आ रही है, लगता है इससे सपाटा करके आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था एक बहुत अच्छी रोमांटिक जगह है, वहाँ से आ रही है गाड़ी और वहाँ पर लोग ये मछलियाँ पकड़ते हैं, तालाब टाइप है वहाँ पर ये मछलियाँ पकड़ते हैं। ये गाड़ी आ रही है सामने, वैसे यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी लोग मैं जानते भी हैं यहाँ पर, कि हमें करीबन एक साल के करीब हो गया है पर रहते रहते, तो काफ़ी लोग जान गए हैं यहाँ पर। और यहाँ के लोग अंग्रेजी भाषा ही यूज़ करते हैं, अपनी भाषा में जो भी पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं अंग्रेजी भाषा में लगे रहते हैं, हालांकि जैसे अपने इंडिया में हिंदी की जगह इंग्लिश का यूज होता है। मातृभाषा को सर्वोपरि रखना चाहिए, क्योंकि लोग मातृभाषा को अपना सर्वोपरि रखते हैं। बाकी कल्चर तो अपना इंडिया का ही अच्छा है, यहाँ कल्चर अलग है, माँ बाप को छोड़ के लोग अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन शादी नहीं करते हैं। ये छोटे छोटे फार्म हाउस वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर, लोग थोड़ा बहुत बाग बगीचे, थोड़ा बहुत जैसे आड़ू वगैरह के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, थोड़ा हल्के फुल्के बगीचे टाइप हैं इधर। अभी चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, थोड़े दिन पहले यहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़बारी काफ़ी होती है, बहुत ठंडा मौसम रहता है। ये मई का महीना है तो थोड़ा गर्म चालू हो गया हल्का फुल्का, बाकी ये कह सकते हैं इतना गर्मी भी नहीं है, जैसे कि अपने फरवरी के महीनों में दिन होते हैं ऐसा थोड़ा हल्का फुल्का गर्म। कितना सुंदर नज़ारा है, हरियाली हरियाली है चारों तरफ। ये देखिएगा एक छोटा बागीचा है, यहाँ पे एक आदमी है जो सिंचाई कर रहा है यहाँ की। सामने काफ़ी पेड़ सेब के हैं, आड़ू के हैं और बबूबोसा अपने यहाँ भी मिलता है, बबूबोसा के पेड़ हैं। गाड़ी खड़ी है सिस्टमेटिक ढंग से, यहाँ पर देखो जगह जगह पर नल दिए गए हैं जिससे यहाँ सिंचाई होती है, पेड़ों पर सब काम इनका सिस्टम से होता है। आगे कंटिन्यू रहिएगा दोस्तों। देखो भेड़ चल रही है, यहाँ पर भी भेड़ पालन होता है। यहाँ पर बकरियाँ तो मुश्किल से देखने को मिलती है, बाकी भेड़ तो काफ़ी जगह देखी है, सामने भेड़ आ चल रही है। और देखें आगे कंटिन्यू रहिए, जो मैं अभी काफ़ी कुछ आपको देखना बाकी है। घने जंगल में आते हैं, काफ़ी घना जंगल है, आगे पानी की जमी हुई झील है जो सर्दियों में जम जाती है, बाकी अभी तो पानी देखने को मिलेगा, सर्दियों में बिल्कुल जमी हुई झील रहती है। देखिए ये यहाँ पर कुत्तों का, और कुत्तों को आना मना है और स्विमिंग करना बिल्कुल मना है, बोर्ड पे लगा हुआ है, अगर कोई ऐसा करता हो पाया जाएगा तो उस पर काफ़ी जुर्माना भी लग जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे हैं झील पर, यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं। अभी मैं कुछ अंग्रेज लोगों से मिलूंगा यहाँ पर जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी रोमांटिक जगह है। अभी जाऊँगा मैं अंग्रेज लोगों के पास,
ये देख, ये पानी सर्दियों में बिल्कुल जमा रहता है लेकिन यहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। बहुत अच्छी रोमांटिक जगह, यहाँ पर जोड़े भी घूमते हुए जाएंगे। लग रहा है यहाँ पर कुछ लोग साइकिल से भी आए हैं, गाड़ी से भी आते हैं, फोर व्हीलर से। अभी थोड़ा गर्म दिन होने लगे हैं तो लोग मछली पकड़ने काफ़ी आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर यह है कि मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है लोगों को, बिना लाइसेंस के कोई भी मछली नहीं पकड़ सकता। कितना अच्छी झील है, बैठने के लिए भी जगह है एकदम। ये जगह पर शूटिंग प्लेस बने हुए हैं, रोमांटिक जोड़ा आ रहा है सामने। हेलो, हाउ वाज योर योर मैंने इनसे अंग्रेजी भाषा में पूछा, हाउ वाज, कैसे हो। सामने एक आदमी बैठा है, इधर जस्ट सामने बैठा है एक आदमी, मछली पकड़ रहा है। गाड़ी खड़ी है उसको, यहाँ पर लग रहा है और भी लोग हैं, दो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं मछली पकड़ने के लिए। अभी देखते हैं उसके पास तक जाना है ना, किधर को जाएंगे, देखते हैं, मिल के आएंगे उससे। हेलो गाइस, देखिए बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं यहाँ पर। कौन सा पेड़ है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किस चीज़ के पेड़ हैं, मुझे भी मालूम नहीं है वैसे। थोड़ा पीपल टाइप का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता होता है, सब पत्ता दिख रहा है। बाकी पता नहीं कौन सा पेड़ बोलेंगे सर। बाकी ये कच्चे रास्ते से होते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ पर। ये हमारा कोलेगा मछलियाँ पकड़ रहा है, इधर को कच्चे रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ। हेलो गाइस, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग इधर के रास्ते से होते हुए। नेक्स्ट वीडियो में कम ये देखिए, यहाँ पर लोग गाड़ी लेके बैठे हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा रोमांटिक जगह है, इतना अच्छा नज़ारा है। शांत, एकदम शांत वातावरण, पानी की झील है। कच्चे रास्ते से होता हुआ मैं इधर आ गया हूँ अभी फिलहाल। यहाँ पर दो गाड़ियाँ खड़ी हैं, लगता है इन गाड़ियों से लोग आए हैं मछली पकड़ने के लिए। देखिए यहाँ पर सर मैन बैठा है मछली पकड़ने के लिए। कुछ मछलियाँ पकड़ी हुई हैं इन्होंने, ये छोटे छोटे मछली। हेलो हेलो हेलो, हाउ वाज, सॉरी हाउ वाज योर वजह कैसे था। अभी मैंने इनसे पूछा कि आप कैसे हो, तो इन्होंने जवाब दिया हंगेरियन में, योर क्वेश्चन। योर का मतलब हुआ कि अच्छे हैं, क्वेश्चन धन्यवाद। देखिए कांटा लगाया है इन्होंने, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है शायद, पता चल जाएगा ना कि मछली आ गई। छोटी छोटी प्यारी प्यारी मछली है, उन्होंने केचप करी हुई है,
ये मर गई है दो मछली, बता रहे हैं। नो बिग फिश, नो बिग पीची फिश, अभी यहाँ पर एक ही कोला गया दिखा हमें मछली पकड़ता, बाकी यहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते हैं, मछली आ जाती हैं, अभी तो मछलियाँ छोटी छोटी हैं, बाकी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाकर डालता रहूँगा। आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय कोले, बाय बाय। हेलो गाइस, देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है इस झील का। ये झील है, यहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी झील है, ये सर्दियों में बहुत जम जाती है, इसके ऊपर सर्दियों में चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में जाता है सर्दियों के दिनों में। और ये देखिए दूर दूर तक पानी फैला हुआ है, बहुत बड़ी झील है। अभी यहाँ पर लोग मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं, आपको सामने कुछ लोग दिख जाएंगे, देखिए सामने कुछ हैं, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे हैं, इधर पकड़ रहे हैं, उधर पकड़ रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारा है यूरोप में। देखिए बहुत शांत वातावरण है, एकदम शांत। यहाँ पर लोग ज़्यादातर पिकनिक वगैरह मनाने के लिए आते हैं। दूर दूर तक हरियाली है यहाँ पर, देखिए पौधे कितने जबरदस्त हरियाली है यहाँ पर। यहाँ ये किसी का भी अधिकार क्षेत्र नहीं है, गवर्नमेंट की जगह है सारी की सारी, एकदम शांत नज़ारा। मैं सोच रहा था कि उस पार जाऊँ घूमने के लिए, देखता हूँ अगर इधर से रास्ता हुआ तो उस पार जाके देखते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है, एकदम चारों तरफ पर एकदम हरियाली हरियाली है, इतने बड़े झील हैं, एकदम रोमांटिक प्लेस। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर घूमते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने इंडिया में ही आ गए, एकदम सुनसान वातावरण गांव की तरह है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरा ये यूट्यूब चैनल सरताज हसन व्लॉग सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें नोटिफिकेशन के लिए, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा। अभी मैं कुछ दिन बाद बड़ी सिटी में भी घूमने के लिए जाने वाला हूँ, वहाँ की वीडियो भी मैं डालूँगा। गाइस कंटिन्यू रहिए मेरे साथ बने हुए मेरे चैनल सरताज हसन व्लॉग्स पे। देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, एकदम प्राकृतिक जगह, नेचर प्लेस। हेलो गाइस, देखिए अब आपको यहाँ पर एक फिशरमैन के पास लेके जा रहा हूँ जो कि यहाँ पर मछलियाँ पकड़ रहा है। ये छोटा एक तालाब है, अभी सर्दी में तो ये झील जम जाती है, बाकी अभी थोड़ा गर्म दिन होने लगे हैं तो यहाँ पर कुछ मछलियाँ तो मिल जाती हैं। एक छोटा बच्चा बैठा है साथ में, हेलो, देखते हैं इन्होंने कितनी मछली पकड़ी हुई है। नो फिश कैचिंग, नो फिश कैचिंग, नेम नेम वो देखे, पूरा एंजॉय ले रहे हैं मछली पकड़ने का। बाकी अभी इनके पास एक भी मछली नहीं आई है,